goods and services tax. But before that, we need to know what is the tax. Tax is the money which is paid to the government. It is imposed on your income, business profit, cost of goods and services, and the transactions, so that the government can use this money in public interest and to pay off the national debts. There are actually two types of taxes. One is direct tax and other is indirect. The direct tax is whose liability cannot be shifted to someone else, like corporate tax, income tax, wealth tax, etc. But indirect tax is the tax whose liability can be shifted to someone else. It is central excise tax, sales tax, services tax, etc. Here, the point of interest is indirect taxes, because GST will replace all indirect taxes, which includes excise duty, service tax, additional duty of custom, VAT, sales tax, central sales tax, entertainment tax, luxury tax, etc. कल मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि मामा जीएसटी क्या होता है. अब मैंने सोचा कि मैं बहुत सिंपल तरह से उसे बताऊं, और मैंने उसको कुछ यूं समझाया कि मान लो तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हें पता है कि क्लास में सारे बच्चों को तुम्हें जाके चॉकलेट देनी है. तो डैडी एक रात पहले ही चॉकलेट का पैकेट लाए हैं. दूसरे दिन डैडी तुम्हें लेके घर से बाहर निकले स्कूल जाने के लिए, लेकिन पड़ोस की रश्मि आंटी तुम्हें मिल गई. उनका बेटा टिंकू तुम्हारी ही क्लास में पढ़ता है. रश्मि आंटी ने तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश किया, तो तुमने एक चॉकलेट निकाल के उन्हें दे दी, साथ में टिंकू को भी एक चॉकलेट थमा दी. अब तुम दोनों स्कूल पहुँचे, डैडी ने स्कूल में छोड़ा और जाते समय हैप्पी बर्थडे बोलकर निकल गए. स्कूल के गार्ड ने यह बात सुन ली, उसने फट से तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश किया, तो तुमने एक चॉकलेट निकाल के गार्ड को दे दी. अब तुम स्कूल के अंदर पहुँचे, टीचर ने पूरे क्लास में अनाउंस कर दिया कि आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम सबको दो दो चॉकलेट्स दोगे. तुमने सबको दो दो चॉकलेट्स दे दी, साथ में टिंकू को भी दोबारा चॉकलेट मिल गई. लेकिन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड गौरव आज एब्सेंट था, और स्कूल का रूल कुछ इस तरह से है कि अगर उसने छुट्टी की है तो उसे चॉकलेट नहीं मिलेगी. तो अब यूं समझ लो कि तुम्हारा बर्थडे जो है वो तुम्हारा बिजनेस है, और ये जो चॉकलेट्स हैं ये टैक्सेस हैं. रश्मि आंटी को तुमने लोकल टैक्स दिया, स्कूल के गार्ड को तुमने एंट्री टैक्स दिया, सारे बच्चों को तुमने दिया सर्विस टैक्स, और ये जो टिंकू है उसको सरचार्ज भी मिला. लेकिन गौरव, उसको बेचारे को कुछ भी नहीं मिला. तो ये थे मौजूदा टैक्सेस. अब जीएसटी क्या है? यूं समझ लो कि प्रिंसिपल ने एक नया रूल निकाला कि आज के बाद जिस भी बच्चे का बर्थडे होगा वो चॉकलेट का एक पैकेट सीधा प्रिंसिपल के कैबिन में जाके दे देगा. फिर ये प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चॉकलेट्स सारे बच्चों में, स्टाफ में और टीचर्स में बांटें. इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो चॉकलेट बराबर सबको मिलती है, और इसमें चॉकलेट बांटने का जो समय होता है वो भी बच जाता है. जीएसटी यही है बस. अलग अलग जगहों पे, अलग अलग विभागों में अलग अलग टैक्स देने की जगह एक ही जगह पर एक ही टैक्स दो. अब कितना अच्छा आइडिया है ये, लेकिन इसमें किसी टिंकू का नुकसान होता है, इसीलिए वो विरोध करता है. लेकिन इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा ही है. अब समझ गए जीएसटी क्या होता है? अगर अभी भी नहीं समझे तो चॉकलेट खाओ, खुद जान जाओ. मान लो आज तुम्हारा बर्थडे है, डैड ने तुमको चॉकलेट लाके दी है स्कूल के लिए. डैडी कल तुमको स्कूल छोड़ने ही जा रहे थे कि शर्मा अंकल रास्ते में मिले, उन्होंने बर्थडे विश की तो एक चॉकलेट आपने उनको दे दी, जबकि उनका बेटा समीर आपके क्लास में साथ पढ़ता है तो उनको भी एक चॉकलेट दे दी. अब तुम दोनों स्कूल पहुँचे, डैडी ने स्कूल में छोड़ा और हैप्पी बर्थडे बोलकर निकल लिए. स्कूल के गार्ड ने ये बात सुन ली, उसने तुरंत तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश किया, तो तुमने एक चॉकलेट उस गार्ड को दे दी. अब तुम क्लास में गए, टीचर ने पूरे क्लास में अनाउंस कर दिया
कि आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम सबको दो दो चॉकलेट दोगे। तुमने सबको दो दो चॉकलेट दे दी, साथ में समीर को भी दोबारा चॉकलेट मिल गई, लेकिन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड अली आज एब्सेंट था और स्कूल का रूल है कि एब्सेंट है तो चॉकलेट नहीं मिलेगी। तो अब पूरी स्टोरी यूं समझ लो कि तुम्हारा बर्थडे जो है वो तुम्हारा बिजनेस है, चॉकलेट है वो टैक्सेस है। शर्मा अंकल को तुमने लोकल टैक्स दिया, स्कूल के गार्ड को तुमने एंट्री टैक्स दिया, सारे बच्चों को तुमने सर्विस टैक्स दिया और ये समीर जो है उसको सरचार्ज भी मिला, लेकिन अली उसको कुछ भी नहीं मिला। तो ये थे हाल के मौजूदा टैक्सेस। अब जीएसटी क्या है? यूं समझ लो कि प्रिंसिपल ने एक नया रूल निकाला कि आज के बाद जिस भी बच्चे का बर्थडे होगा वो चॉकलेट का एक पैकेट सीधा प्रिंसिपल की ऑफिस में दे देगा। फिर ये प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चॉकलेट सारे बच्चों में, स्टाफ में और टीचर्स में बांटे। इसके दो फायदे हैं, एक तो चॉकलेट बराबर सब में बटेगी और दूसरा चॉकलेट बांटने का समय भी बच जाता है। जीएसटी यही है बेटा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग विभागों में अलग अलग टैक्स देने की बजाय एक ही जगह पर एक ही टैक्स दो। कितना बढ़िया तरीका है नहीं? लेकिन इसमें किसी समीर का नुकसान होता है, इसीलिए वो विरोध करता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का फायदा है इसमें। समझ गए ना जीएसटी क्या है? नहीं समझे क्या? अभी आप इंडिया में डिफरेंट 19 या 20 टैक्सेस देते हैं, जिसमें सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, सर्विस, वैट, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, एक्साइज ड्यूटी, प्रोफेशनल, एंटरटेनमेंट, म्यूनिसिपल, गिफ्ट, वेल्थ, टॉल एंड एंट्री टैक्स। कई बार एक ही चीज पे दो टैक्स देते हैं, जैसे होटल में खाना खाने के बाद सर्विस एंड सेल्स टैक्स, वैसे ही कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो सर्विस एंड सेल टैक्स दोनों देने पड़ते हैं। दूसरा, कई बार टैक्स पे भी टैक्स देते हैं, जैसे आप दूसरे स्टेट से प्रोडक्ट खरीदते हैं तब टैक्स पे टैक्स देना पड़ता है। इन सब का सॉल्यूशन है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब अलग अलग टैक्स देने के बजाय एक ही टैक्स देना होगा, वो है जीएसटी, क्योंकि राज्यसभा में जीएसटी बिल पास हो गया है, वो भी फुल 203 वोट के साथ, ऑपोजिट में एक भी वोट नहीं आया।